पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। शिव भक्त दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर मां गंगा का जल लिए कतार में लग गए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा झारखंड के देवघर में भी देखने को मिला। दो साल के बाद आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के पहले सोमवार में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए 2 लाख कांवड़िए कतार में खड़े हैं। श्रद्धालुओं की कतार की लंबाई 15 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। कांवड़ियों के ठहरने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है और वाराणसी से तस्वीर, साथ ही झारखंड के देवघर से तस्वीर सामने आई है, जहां पर शिव के भक्त कतारों में नजर आए। श्रद्धालुओं में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आप भारी उत्साह देख सकते हैं। रात 9 बजे से ही कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये कतार जो है मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तुमेका स्टेडियम तक पहुंच गई है और ये जहां से आप देख रहे, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको जन सैलाब दिखेगा। एक जिस तरह से श्रद्धालु 2 सालों के बाद यहां पर पहुंचे हैं और आज पहली सोमवारी है, सावन महीने का पहला सोमवारी है, आज शिववास भी है, जिसको लेकर जो है यहां पर श्रद्धालु और कांवरिया भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। कहां कब उठाए थे जला? सुबह। कितनी खुशी हो रही है 2 साल के बाद आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। कहां से आप आए हैं? बलिया जिला से। बलिया जिला से कितने सालों से आप आ रहे हैं यहां? यहां से 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल से। इस वक्त हम मौजूद हैं बासुकीनाथ मंदिर परिसर में। हमारे तस्वीरों में आप पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर श्रद्धालु और कांवरिया लगातार जो है जलार्पण, बाबा पर जलार्पण करने के लिए पहुँचे हुए। कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर जलार्पण शुरू की गई है। बाकायदा जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ किसी भी तरह का भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार जो है सुगम तरीके से यहाँ पर कांवरियों को जलार्पण कराया जा रहा है और जिला प्रशासन लगातार मुस्तैदी से यहाँ पर खुद दुमका के पुलिस अधीक्षक और दुमका के डीसी खुद कांवरियों की कांवर यात्रा का और जो भी कांवर का रूट लाइन है उसका जायजा ले रहे हैं। पटना चरण